नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे सनफ्लावर बेनिफिट्स एंड इसके साइड इफ़ेक्ट्स। सूरजमुखी के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसकी हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम एलियंथस एनस है। इसके पौधे की लंबाई लगभग 1 मीटर से 5 मीटर के बीच में होती है। सूरजमुखी का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। सूरजमुखी पौधे के पत्ते, चाहे वो बीज हों या फूल हों या जड़ हों, इत्यादि सभी भाग औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। सूरजमुखी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों में यदि बात करें तो इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, जस्ता, आयरन तथा इसके तेल में लिनोलिक एसिड इत्यादि पाई जाती है। इसमें विटामिन ई, विटामिन ए एवं विटामिन डी भी पाया जाता है। सूरजमुखी के बीजों से तेल निकाला जाता है, जिसका इस्तेमाल खाना बनाने में तथा सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता रहा है। सूरजमुखी के तेल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही कम होती है, जो कि हमारे हृदय के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। ये हमारे दिल की रक्षा करने में काफ़ी कारगर होता है। सूरजमुखी के बीजों को हमारे पाचन, हृदय एवं मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। इसके बीज हमारे पाचन संबंधी विकार को सही करते हैं तथा हृदय की रक्षा करते हैं। सूरजमुखी के तेल सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि में काफ़ी उपयोगी होता है। इसके तेल से सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे तेल हुआ, साबुन हुआ इत्यादि। ये तो सभी सूरजमुखी के बेनिफिट्स हैं, लेकिन यदि हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो सूरजमुखी फैमिली के कई पौधों और कई बीजों से काफ़ी लोगों को एलर्जी होता है। ऐसे लोगों को इसके सेवन से बचना चाहिए। इसके बीजों में अधिक मात्रा में फाइबर होते हैं, जो कि हमारे पाचन के लिए सही होता है, किंतु अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से हमें गैस संबंधी विकार होने का खतरा बन जाता है। इसीलिए कोई भी औषधि का सिर्फ बेनिफिट्स जान के ही इसका इस्तेमाल करना सही बात नहीं है। उसके इस्तेमाल करने से क्या नुकसान होते हैं, इसका भी जानना, इसका भी ज्ञान होना हमें आवश्यक है। जो औषधि हमें फ़ायदा पहुंचाती है, वो औषधि हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इस बात को भली भांति से हमें जान लेना चाहिए, तभी किसी औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए। और हो सके तो औषधियों का इस्तेमाल करते समय एक्सपर्ट से सलाह अवश्य ले लेना चाहिए। तो आई होप दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।